फेमिनिस्ट मोमेंट बेसिकली लेट नाइन्टीज़ में ये स्टार्ट हुई और uh, इसका आगाज़ अमेरिका uh, और यूरोप uh, में हुआ और uh, इसकी आई uh, मीन I mean, चार इसकी वेव्स हैं इसकी जो पहली वेव थी एज ए सडी एयर के वो एयरली टेंटीज़ और लेट नाइन्टीज में स्टार्ट हुई और फेमनिस्ट uh, की फर्स्ट वेव uh, में देवर डिमांडिंग देयर राइट टू वोट आई मीन औरतों ने अपने पोलिटिकल राइट्स के हवाले से आवाज़ उठाई mm -hmm. फैमिलिज़म की जो सेकेंड वेव है इसका आगाज नाइनटीन सिक्सटी में हुआ और ये नाइनटीन एटी तक आ, ये फैमिलिज़म की मूमेंट चली और उस मोमेंट के दौरान जेंडर बेस्ड वायलेंस को डिस्कस किया गया उस मूमेंट के दौरान खुतिन की तरफ से ये प्रोपागेट किया गया कि हमें मर्दों के इक्वल राइट्स मिलने चाहिए mm -hmm. जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए इसकी जो थर्ड वेव थी आ, उसका आगाज नाइनटीन में हुआ और थर्ड वेव के दौरान जो फैमिलीज से दे टॉक्ट अबाउट कि खातिन अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को डिफ़ाइन करेंगी कि किस तरह सोसाइटी के अंदर उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है हेरास किया जाता है किस तरह उनको डोमेस्टिक वायलेंस का सामना होता है किस तरह आ, रेप के वाक़ होते हैं और इसी दौरान फिर मी टू मोमेंट का भी चर्चा हुआ कि औरत बताएगी कि उसके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिस क्या थे वेन इट कम्स टू डील विद द वमेन वेन इट कम्स about टू लिव इन अ पेट्रोकल सोसाइटी और इसकी जो फोर्थ पेव है उसका आगाज़ टू थाउजेंड टेन में हुआ और फोर्थ पेव में न सिर्फ वुमेन uh, राइट्स की बात की गई बल्कि उसके साथ साथ जो ट्रांसजेंडरस uh, कम्यूनिटी है uh, उसको भी डिस्कस किया गया और उसमें फिर हमने देखा कि जो इंटरसेक्स uh, uh, वाले लोग हैं वो लोग के जिनका ताल्लुक होमोसेक्चुअलिटी uh, से है आई I मीन mean के जो एल जी बी टी क्यू वाली एक कम्यूनिटी है उनके राइट्स को भी डिस्कस किया गया